सवाल पूछ रहा है, कब लेंगे हम पाकिस्तान से बदला? हमारे 5 मारेंगे तो हम उनके 50 मारेंगे, यही हमारी पॉलिसी होनी चाहिए। क्या सोच रही है सरकार? क्या डरती है सरकार? ये सरकार नामर्दों की है। जब फौज है तैयार नौसेना वायुसेना है बेकरार। फिर किस बात का है इंतजार? आर्मी का मनोबल बिल्कुल गिरा नहीं है, सिर्फ हमारे नेतृत्व का मनोबल गिरा हुआ है। कब होगा हिंदुस्तान का ऑपरेशन पाकिस्तान? ये वो सवाल है जिसका जवाब आज हर भारतीय पूछ रहा है। पाकिस्तान की हरकतों का जवाब भारत क्यों नहीं दे रहा? आखिर हम किस बात का इंतजार कर रहे हैं? आज हम आपको दिखाएंगे कैसे भारतीय सेना पाकिस्तान को सबक सिखाने के लिए तैयार है, कितनी ताकत है हमारे पास, लेकिन हमें फिर भी इंतजार है। सबसे पहले देखिए भारतीय थल सेना की कहानी। कंधों से मिलते हैं कंधे, कदमों से कदम मिलते हैं, हम चलते हैं जब ऐसे तो दिल दुश्मन के हिलते हैं। ये वो कंधे हैं जिनसे मिलकर दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी फौज बनती है। कंधों से मिलते हैं कंधे, कदमों से कदम मिलते हैं, ये है वो भारतीय सेना जिसने एक नहीं दो नहीं चार चार बार पाकिस्तान को युद्ध में रौंदा है। ये वो भारतीय फौज है जिसने दुनिया का सबसे बड़ा सैन्य आत्मसमर्पण कराया था, 90,000 पाकिस्तानी फौजियों को युद्ध बंदी बनाया था। आज भारतीय थल सेना में 13,25,000 सक्रिय सैनिक मौजूद हैं, 9.5 लाख से ज्यादा सैनिक रिजर्व में हैं। हिंदुस्तान की इस भारी भरकम फौज के मुकाबले पाकिस्तान की फौज सिर्फ 6,17,000 है, यानी आधे से भी कम। सोचिए क्या मुकाबला है पाकिस्तान और भारत का। भारत आज भी किसी भी युद्ध में पाकिस्तान को 5वीं बार रौंद सकता है। जब तक हमारे मुंबई में मुंबई की भाषा है कांग्रेस का कोई नहीं कि पाकिस्तान की चर्बी बहुत बढ़ गई है, ये चर्बी उतारनी पड़ेगी, लेकिन चर्बी उतारने के लिए सरकार भी मजबूत होनी चाहिए, आर्मी को ताकत देनी चाहिए, ऐसा नहीं हो रहा। हिंदुस्तान की आर्मी जब तक पाकिस्तान में दाखिल नहीं होती और अपने 5 जवानों के बदले में पाकिस्तान के 50 सैनिकों का सिर नहीं काट के लेके आती, उनको मौत के घाट में उतारती, तब तक पाकिस्तान सबक नहीं सीखेगी। मैं इस वक्त उसी साउथ ब्लॉक में खड़ा हूं जहां पर थल सेना वायुसेना नौसेना के अध्यक्ष बैठते हैं, प्रधानमंत्री और रक्षा मंत्री भी यहीं बैठते हैं, यहीं से सेना के सबसे बड़े फैसले लिए जाते हैं। और एक बार रक्षा मंत्रालय की हरी झंडी मिली नहीं कि सेना हरकत में आ जाती है और अपने ऑपरेशन को अंजाम देने निकल पड़ते हैं जवान। कंधों से मिलते हैं कंधे, कदमों से कदम मिलते हैं, हम चलते हैं जब ऐसे तो दिल दुश्मन के हिलते हैं। भारत पाकिस्तान के बीच की सबसे बड़ी बात संख्या बल की नहीं बल्कि युद्ध कौशल की है। आज अमेरिका भी भारत के साथ युद्धाभ्यास कर आतंकवाद के खिलाफ लड़ाई सीखना चाहता है। ये भारतीय फौजियों का युद्ध कौशल है जो संख्या बल से भी ज्यादा मायने रखता है। भारत की जो फौज है उसकी ट्रेनिंग है, उसकी मश्क है, उसके हर तरह पहलू से उनके पास हथियार हैं, वो पाकिस्तान से कहीं ज्यादा हैं। और हम ये कहें कि ये जो 1 और 3 का था हमारा डिफरेंस, वो अभी कम होकर थोड़ा कम तो जरूर हो गया है। हमारी सरकार को और ज्यादा मेहनत करनी पड़ेगी, जबकि पाकिस्तान 3% GDP अपनी डिफेंस के ऊपर लगा रहा है। इस वक्त LOC से लेकर पाकिस्तान बॉर्डर तक भारतीय सेना के पास पाकिस्तान से कई गुना ज्यादा बेहतर सड़कें हैं, हथियार हैं, सेना के लिए सप्लाई लाइन बेहद शानदार है, लेकिन फिर भी भारत अब पाकिस्तान को पहले जैसा जवाब क्यों नहीं देता? मैं ये मानता हूँ अब ये बदला लेने का टाइम आया है, आप बदला लीजिए। खून का जवाब खून से दीजिए, गोली का जवाब गोली से दीजिए। हमारे 5 मारेंगे तो हम उनके 50 मारेंगे, यही हमारी पॉलिसी होनी चाहिए। कन्वेंशनल फोर्सेस की जब बात की जाए, ये हमारी कैपेबिलिटी है कि अगर ऑफेंसिव एक्शन लिया गया, जैसे कि हमारे पास स्ट्राइक कोर जो है पाकिस्तान में
एडवांस करने के लिए वो ज्यादा कारगर हैं, तो हम एक शॉर्ट ड्यूरेशन वॉर में भी जो 2 हफ्ते से 3 हफ्ते हो सकता है पाकिस्तान की ग्रीन बेल्ट और इंडस रिवर तक पहुंच सकते हैं, पाकिस्तान के 2 हिस्से कर सकते हैं और पाकिस्तान के पास इनफ फोर्सेस नहीं होंगी कि वो हमें डेसिमेट कर सके। लेकिन क्या चीन के नाम पर हम पाकिस्तान को नजरअंदाज करते रहेंगे? क्या चीन के नाम पर पाकिस्तान जो भी चाहे वो कर लेगा, या चीन सिर्फ एक हवा है जिसे भारत ने खुद खड़ा कर दिया है? हमारे जनरल का तो बयान आया था, लेकिन हमें लगता उस बयान को भी दबा दिया गया कि इस पता है कि आप बात मत करिए। क्या हमारी सेना कमजोर है? पूरा देश आपके साथ है, पूरा देश, पूरे देश की जनता, आर्मी का मनोबल बिल्कुल गिरा नहीं है, सिर्फ हमारे नेतृत्व का मनोबल गिरा हुआ है। हमारे देश की जनता नहीं चाहती कि हम इस तरह की स्थिति से गुजरें। जब पूरा देश आपके साथ है, सारे राजनीतिक दल इस मामले में आपके साथ हैं, फिर आपको डर किस बात का है कि आप अपनी बात को सही तरीके से कह भी नहीं सकते? ये वो सवाल है जिसके जवाब में पाकिस्तान को सुधारने की कुंजी है, और शायद इसका जवाब अभी भारत सरकार के पास भी नहीं है। भारतीय सेना के पास हथियारों की कमी नहीं है, एक से बढ़कर एक हथियार हैं। भविष्य के हथियार भी तैयार किए जा रहे हैं, और भारत के हर हथियार कार्यक्रम को शुरू करते वक्त जिन दुश्मनों को जहन में रखा जाता है उनमें सबसे पहले पाकिस्तान का ही नाम आता है। देखिए भारत का हथियारों का तर्कश। आज के जमाने में फौज की ताकत होती है उसके हथियार, जो उसका काम आधा कर देते हैं, जैसे मिसाइल, रॉकेट और घातक बम। आज दुनिया के सबसे घातक हथियार भारत के तरकश में है। जो पाकिस्तान छुटपुट घुसपैठ करके खुद को 30 मार्का समझता है, वो इस आवाज और गर्जना को अच्छी तरह अपने जहन में उतार ले। भारतीय सेना की आन बान और शान का सबसे नया प्रतीक अग्नि 5 मिसाइल है। भारत के अग्नि ने पिछले साल जब आसमान में उड़ान भरी तो दुनिया ने दांतों तले उंगली दबा ली। पाकिस्तान परेशान हो गया। अग्नि 5 का पाकिस्तान के पास कोई जवाब नहीं है। अग्नि 5 इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल है जो जमीन से आसमान में 5,000 किलोमीटर के दायरे में अपने दुश्मन को पल भर में तबाह कर सकती है। अग्नि 5 भारत ही नहीं, दुनिया की सबसे लंबी दूरी तक मार करने वाली मिसाइलों में से एक है। इसके जद में पाकिस्तान की बात तो छोड़िए, पूरा का पूरा चीन आता है। अगर अग्नि 5 को दिल्ली से दागा जाए तो इसकी जद में दुनिया के 28 देश आ जाएंगे। वहीं अग्नि के जवाब में पाकिस्तान के पास हथ 4 मिसाइल है। इस मिसाइल की रेंज 3,500 से 4,000 किलोमीटर है और ये पाकिस्तान ने चीन से मिली मिसाइल तकनीक के साथ तैयार की है। वहीं भारत ने अब अग्नि 6 पर भी काम करना शुरू कर दिया है, जिसकी मारक क्षमता 10,000 किलोमीटर तक हो सकती है। पाकिस्तान के पास इस मिसाइल के लिए भी कोई जवाब नहीं है। हमारी जो ट्रेनिंग है बहुत अच्छी है, हम उनसे सुपीरियर हैं, हमारी एयरफोर्स भी सुपीरियर है, हमारी एयरफोर्स चाइना से भी सुपीरियर है, मोर नंबर ऑफ एयरक्राफ्ट। हमारी जो नेवी है वो भी बहुत अच्छी है, हमारे पास मिसाइल्स हैं, इतना डेवलप पाकिस्तान ने अभी नहीं किया। भारत के पास ब्रह्मोस मिसाइल भी मौजूद है, ये सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल है। भारत ब्रह्मोस 2 मिसाइल को तैयार कर रहा है। एक बार जब ये मिसाइल बन जाएगी तो 6,000 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से 300 किलोमीटर तक के अपने टारगेट को नेस्तनाबूद कर देगी। सोचिए सिर्फ 3 मिनट 2 सेकंड के अंदर ब्रह्मोस ऐसी बर्बादी फैलाएगी कि पूरा लाहौर खत्म हो सकता है। 4 मिनट 1 सेकंड में मुल्तान का नामोनिशान मिट सकता है। फैसलाबाद में भी 3 मिनट और 2 सेकंड के अंदर ब्रह्मोस कहर बरपा सकती है, और साहिवाल की कहानी तो 2 मिनट में ही सिमट सकती है। इसे जमीन, आसमान और पानी में कहीं से भी छोड़ा जा सकता है। ये वो मिसाइल है जो हवा में ही अपना रास्ता बदल सकती है। ब्रह्मोस 10 मीटर की ऊंचाई से भी उड़कर 290 किलोमीटर तक अपने टारगेट को नष्ट कर सकती है, वो भी 3,346 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से, यानी रडार भी इसे नहीं पकड़ पाएंगे। भारत के पास अब जमीन और हवा के साथ पानी के अंदर से भी मार करने वाली मिसाइल आ चुकी है। जनवरी 2013 में K-15 नाम के इस मिसाइल का सफल परीक्षण भी किया जा चुका है। इसे सबमरीन लॉन्च बैलिस्टिक मिसाइल कहा जाता है।
इस मिसाइल की मारक क्षमता 1500 किलोमीटर तक है। भारत ऐसी मिसाइल बनाने वाला दुनिया का पांचवा देश है। इससे पहले सिर्फ अमेरिका, रूस, फ्रांस और चीन के पास ही पनडुब्बियों से निकलने वाली मिसाइलें हैं। सोचिए, जब पाकिस्तान पर इससे चौतरफा हमला होगा तो उसका क्या हाल होगा। भारत के जवाब में पाकिस्तान ने भी अपनी मिसाइल ताकत पर काम किया है, लेकिन यह ताकत अभी भी चीन के सपोर्ट पर टिकी है। पाकिस्तान की मिसाइलों को हवा में रोकने के लिए भारत ने मिसाइल कवच कार्यक्रम पर काम करना शुरू कर दिया है। भारत ने इस पर साल 2006 में ही काम करना शुरू कर दिया था। पाकिस्तान को सबक सिखाने के लिए भारतीय वायुसेना सबसे बड़ी मददगार हो सकती है। करगिल में जीत के पीछे वायुसेना का ही सबसे बड़ा हाथ था। आज हमारी वायुसेना उससे भी कहीं गुना घातक हो चुकी है। आसमान पर गरजती ये है दुनिया की चौथी सबसे बड़ी वायुसेना, वो वायुसेना जो हिंदुस्तान के दुश्मनों का काल है। दुनिया के सबसे आधुनिक विमानों से लैस। मेरे पीछे है वायुसेना भवन, दुनिया की चौथी सबसे बड़ी वायुसेना। यानी भारतीय वायुसेना के सबसे अहम फैसले यहीं से लिए जाते हैं। सुखोई, मिराज, MiG-29, जगुआर जैसे आधुनिक लड़ाकू जहाज और सबसे जांबाज पायलटों ने युद्ध मोर्चा पर देश को आगे रखा है। करगिल युद्ध में तो वायुसेना ने चुन चुन कर घुसपैठियों को निशाना बनाया। भारतीय वायुसेना में 1,27,000 जवान शामिल हैं, जो 1,380 लड़ाकू विमानों के बेड़े को नियंत्रित करते हैं। आसमान में इतनी ताकत किसी भी देश को किसी भी हालत में लड़ने का जज्बा और जुनून देती है। सोचिए, जिस देश की वायुसेना के पास इतनी असीमित शक्ति हो तो वो किसी भी युद्ध का रुख अपनी ओर मोड़ सकता है। भारतीय वायुसेना की तुलना में पाकिस्तानी वायुसेना की बात की जाए तो पाकिस्तानी वायुसेना में करीब 65,000 जवान हैं। पाकिस्तान के बेड़े में 450 लड़ाकू विमान शामिल हैं। यानी भारतीय वायुसेना के मुकाबले पाकिस्तान की वायुसेना एक तिहाई से भी कम है। आसानी से अंदाजा लगाया जा सकता है कि ताकत के मामले में पाकिस्तानी वायुसेना से भारतीय वायुसेना कितनी आगे है। हमारी लड़ाकू विमानों की संख्या को देखकर ही पाकिस्तानी वायुसेना के होश उड़ जाते हैं। भारतीय वायुसेना में सुखोई M-30, MiG-29, जगुआर, मिराज 2000 जैसे ब्रह्मास्त्र हैं। ये लड़ाकू विमान किसी भी परिस्थितियों में उड़ान भरकर पाकिस्तान की अग्रिम रक्षा पंक्ति को तहस नहस कर सकते हैं। ये जमाज फाइटर हवाई पिरामिड बनाकर पाकिस्तान को दो तरफा घेर सकते हैं और पाकिस्तान को निस्त नाबूद करने का दम रखते हैं। दुश्मन पर पल भर में झपट्टा मारकर उसे खत्म कर देना और हवा की रफ्तार से अपने मिशन को अंजाम देकर वापस लौटना सुखोई M-30 की खासियत है। सुखोई एक घंटे में 2,450 किलोमीटर दूरी तय कर सकता है। गाजियाबाद के हिंडन एयरबेस से लाहौर की हवाई दूरी करीब 422 किलोमीटर है। इस लिहाज से 15 मिनट से भी कम समय में सुखोई विमान दिल्ली से लाहौर पहुंच सकता है और भयंकर तबाही बरपा सकता है। दूसरे शब्दों में कहा जाए तो युद्ध के समय पश्चिमी सीमा से सीधे पाकिस्तान में घुसकर सुखोई विमान बमबारी कर उसे तहस नहस कर सकता है। सुखोई M-30 की तुलना में पाकिस्तान के पास F-16 विमान है। बेशक तकनीक के मामले में F-16 विमान अत्याधुनिक हैं, लेकिन पाकिस्तान के F-16 विमान कुछ मामलों में सुखोई M-30 से पीछे हैं। मशीन से भी ज्यादा जांबाजी पायलटों में होनी चाहिए, जिसमें भारतीय पायलटों का लोहा पूरी दुनिया मानती है। भारत के मुकाबले पाकिस्तान की वायुसेना कहीं नहीं ठहरती। बेशक पाकिस्तानी सेना के पास अमेरिका के दिए हुए अत्याधुनिक F-16 लड़ाकू विमान हैं, लेकिन खबरें आ रही हैं कि पाकिस्तान के पायलट उन विमानों को उड़ाने में भारी चूक कर रहे हैं।